और बिहार से उस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के नवादा में एसपी के एक्शन पर घमासान मचा हुआ है। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को लॉकअप में बंद किया था। थाने में केस डायरी अपडेट नहीं होने पर एसपी ने तमाम पुलिसकर्मियों को बंद कर दिया था लॉकअप में। पुलिस एसोसिएशन ने अब इस पर एसपी पर कार्रवाई की मांग की है। लॉकअप में बंद पुलिसकर्मियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बिहार के नवादा में एसपी के एक्शन से घमासान इस वक्त मचा हुआ नजर आ रहा है। थाने में केस डायरी अपडेट नहीं होने पर जो लापरवाही सामने आई थी उसमें 5 पुलिसकर्मियों को लॉकअप में ही एसपी ने बंद कर दिया था। ये तस्वीरें भी उसी लॉकअप के सीसीटीवी फुटेजेस, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर एसपी साहब ने वो क्यों इतना उद्वेलित हो गए कि केस डायरी अगर अपडेट नहीं थी तो अपने ही साथियों को, थाने के ही कर्मचारियों को कैसे लॉकअप में बंद किया गया, अपराधियों की तरह उनके साथ सलूक किया गया। और कहीं ना कहीं इस बात से पुलिस महकमा व्यथित भी है, दुखी भी है, और अब एसपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसके बाद जो एसोसिएशन है वो इसको लेकर एसपी से नाराज नजर आया और उसने अब एसपी पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर दी है। वर्दी में कैमरा चालू है, कैमरा चालू है, लाल बत्ती जल रहा था उसी हाजिर में, पांचों वर्दी में कैमरा चालू है, कैमरा चालू है, लाल बत्ती जल रहा था उसी हाजिर में, पांचों वर्दी में कैमरा चालू है, कैमरा चालू है, लाल बत्ती जल रहा था उसी हाजिर में, पांचों वर्दी में। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं जहां से रजनीश तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, नवादा के एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को जब लॉकअप में डाल दिया उसके बाद अब एसोसिएशन ही एसपी के खिलाफ हो गया है और कह रहा है कि इस तरीके की कार्रवाई की इजाजत एसपी को किसने दी? देखिए, ये पूरा जो मामला है अपने आप में ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला कि जब पुलिसकर्मियों को ही हाजत में बंद कर दिया गया हो और उसी थाने में जहां उनका पदस्थापन हो। मामला नवादा का है, हालांकि जो गौरव मंगला एसपी हैं इस मामले पर अब कुछ अभी फिलहाल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो रात को 10 बजे 8 तारीख की बात है ये, और पहुँचे थे नगर थाना जो है वहाँ पर जो समीक्षा है, जो केसेज हैं उसको लेकर और उनकी बातों को जानने को लेकर, कार्य प्रगति को लेकर। और वहाँ पे लापरवाही पाने पे 5 जो पुलिसकर्मी हैं जो सब एसआई हैं उनको वहाँ पे हाजत में लॉकअप में बंद कर दिया गया। और जो सीसीटीवी कैमरा है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा में ये पूरा जो विजुअल है वो कैद है, और वो सीसीटीवी कैमरा में जो विजुअल है वो अब वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और तमाम बातों का जब मीडिया के सामने ये पूरा मसला मामला आया, इसके बाद ये बेहद गंभीर हो गया और पुलिस एसोसिएशन जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं और कई तरह की बातें रजनीश रजनीश कहीं ना कहीं डिटेल्स आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। हाजत में वहीं पर जो पद स्थापित अधिकारी थे उन्हें बंद कर दिया गया, अब कहीं ना कहीं पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। एक बार विस्तार से अगर आपसे जानना चाहें आसान शब्दों में कि आखिर वो घटनाक्रम क्या रहा था जिसके बाद एसपी साहब इतने नाराज हो गए कि अपने ही अधिकारियों को हाजत में बंद कर दिया कई घंटों तक। देखिए, जाहिर तौर पे जब कार्य प्रगति की समीक्षा को लेकर जो केसेस थे उसको लेकर वो पहुंचे थे यहाँ पे, और रात 10 बजे का ये मामला है, 8 तारीख की रात की बात है, और जब उन्होंने प्रगति समीक्षा की बातों को देखा तो उन्हें कई तरह की लापरवाही पाई और इन लापरवाही को लेकर वो इतने ज़्यादा गुस्सा हुए कि उन्होंने तमाम जो वहाँ पे एसआई थे और पदस्थापित जो लोग थे 5 लोगों को उन्होंने तत्काल हाजत में बंद करा दिया। और इसके बाद करीब करीब 2 घंटे तक यानी 12 बजे रात तक जो है ये तमाम जो एसआई हैं पुलिसकर्मी 5 हाजत में बंद रहे। और जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरा लगा है वो विजुअल्स जो है वो जब मीडिया में आया है उसके बाद हड़कंप मच गया और फिर मामले को रफा दफा करने की बात कही जा रही है। और वहाँ पर जो पदस्थापित थाना अध्यक्ष है वो इस तरह की घटना से अब इनकार कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पे जो विजुअल सामने आया है और जिस तरीके से एसोसिएशन ने इसको लेकर एक पत्र भी लिखा है इस बातों को लेकर अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रजनीश, हमारे साथ मृत्युंजय सिंह जो कि अध्यक्ष हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन के, वो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से नवादा एसपी ने जो कार्रवाई की उसके बाद अब पुलिस एसोसिएशन ही एसपी पर एफआईआर की मांग कर रहा है, जबकि अनियमितताएं पाई गई, आउट ड्यूटी जो है वो मेंटेन नहीं की गई थी जिसको लेकर एसपी ने कार्रवाई की, लेकिन कानून को कहने के एसपी ने हाथ में लिया, और क्या इसी को लेकर आप लोग अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मृत्युंजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मृत्युंजय जी से संपर्क एक बार फिर हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर जो है वो आपको हम बता रहे हैं, जहां नवादा में एसपी
के खिलाफ अब पुलिस एसोसिएशन नजर आ रहा है और एसपी पर ही कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो ये फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सुनिए। जरा चंदन ने भी सवाल पूछा था मृत्युंजय सिंह से, उनका क्या रिएक्शन है इस पूरे मसले को लेकर, सुनिए मृत्युंजय सिंह को। पुलिसकर्मी अगर गलत करते हैं तो पुलिस शासक नियम है, आपको एसपी है पनिश करने का राइट अधिकार है। ये नहीं कि किसी को वर्दी में बंद करना, कानून को बंद कर देना, वर्दी में बंद कर देना। पूरे पुलिस बिहार के पुलिस इस मामले को लेकर शर्मसार है और बिहार के तमाम पुलिसकर्मी आक्रोशित है। सीसीटीवी कैमरा में चल रहा है कि पुलिसकर्मी थाने के हाजत में बंद है, उनको साक्ष्य मानकर और जांच करवा ले, निष्पक्ष जांच करवा ले, साक्ष्य है भी, और एसपी पर एफआईआर आईपीएस के तहत होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, अविलंब उनको हटाना चाहिए। तो मृत्युंजय सिंह हमारे साथ खुद लाइव भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन के। मृत्युंजय जी, आपकी बात हमने सुनी, लेकिन हम तो यूनिफॉर्म की इज्जत करने की बात करते हैं, लेकिन यहां तो एक शख्स एसपी साहब खुद यूनिफॉर्म में है और दूसरे यूनिफॉर्म के जो अधिकारी उनके हैं उन्हें ही हाजत में बंद कर दिया गया, यहां से क्या मैसेज, क्या संदेश जाएगा बाहर? निश्चित तौर पर यह घटना की जितनी निंदा होनी चाहिए वो कम होगी। जो आईपीएस अधिकारी ऑलरेडी सारे कानून के जानकार हैं और नगर थाना नवादा जाते हैं कांडों की समीक्षा करने के लिए, वहां पुलिसकर्मी जो वर्दी में है वो पुलिसकर्मी को हाजत में बंद कर देते हैं, वर्दी में कानून को कैद कर देते हैं। अपराधी हाजत में बंद होता है और पुलिसकर्मी को बंद कर दिए हैं। अब बताइए कि जब अपराधी की जगह पुलिसकर्मी बंद होंगे तो क्या होगा? और सबसे बड़ी चीज है कि आज पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट के आधार पर पुलिसकर्मी अगर उनकी कामों में खामी है उसके आधार पर दंडित होते हैं, दंडित कीजिए, आपका अधिकार है। कहीं कहीं एसपी तो बिना मतलब कि उनको चेहरा पसंद नहीं आता है उसका भी दंड दे देते हैं। आपको अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग कीजिए। ये अधिकार किसने दिया है? भारत के किस संविधान में है, किस कानून में है कि वर्दी वाले पुलिसकर्मियों को हाजत में बंद कर दे? ये तो मामला इतना गंभीर मामला है कि ये मामला की पुलिस बिहार की नहीं खाकी वर्दी संसार हो गई है, पूरे बिहार देश की वर्दी संसार हो गई है। और साथ ही वहां पर सीसी फुटेज कैमरा है उसको क्या कर रहा है कि पीड़ित को धमका रहे हैं कि तुम बयान मत दो, सीसीटीवी कैमरा के जो थानेदार है उसको वो चक्कर में है कि किसी को मिले नहीं, छेड़छाड़। एक तो आ गया है सामने, ऐसे वो सामने आ गया है, लोग देख चुके, पूरा देश देख चुका है, और खुद अपने इंकार तो कैमरा से जो आ गया है उससे इंकार तो नहीं कर सकते, लोगों को डरा सकते हैं जी, धमका सकते हैं, कहते एसपी मैं नौकरी तुम्हारा खा दूंगा। मृत्युंजय जी, इस पूरे मामले को लेकर एसोसिएशन का जो रुख है जिसमें एसोसिएशन सीधा एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रही है एसपी पे, क्या इसकी जगह कोई कारण बताओ, नोटिस या कोई ऐसी और प्रक्रिया कानून संबत है जिसके तहत एसपी को पहले तलब किया जाए, पूछा जाए, या फिर सीधा एफआईआर एसपी पर दर्ज कराना उचित है? अगर यही काम थानेदार थाना का मालिक होता है, एसएसएन डायरी उसके हाथ में होती है, एसपी उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, अगर एसपी को थाने में हाजत में बंद कर देगा क्या वहां पर थानेदार पर कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर नहीं होता? जब आपके पास साक्ष्य है तो कारण बताओ, नोटिस की क्या है? आप कानून तोड़े हैं, वो कानून सभी के लिए एक समान है, एक वर्दीधारी हो एक सामान्य भारत का नागरिक हो, संविधान सभी के लिए इक्वलिटी करता है, कानून सभी को अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार है, और साथ ही कानून के जानकार व्यक्ति है, और आप उनके पास कानून के अंदर बंद करते हैं। ये मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार से और अपने पुलिस मुख्यालय से, मेरा आग्रह है कि साक्ष्य है, सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। सिंह साहब, आप बने रहेगा हमारे साथ क्योंकि काफी दुखद और कहीं ना कहीं चिंतित भी आप नजर आ रहे हैं, आपकी बातों से हम समझ पा रहे हैं। बने रहेगा हमारे साथ, हमारे एक रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं, रजनीश हमारे साथ है। रजनीश, सीधे तौर पर मृत्युंजय सिंह एसोसिएशन के अध्यक्ष कह रहे हैं कि देखिए अब तो सीधी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि साक्ष्य भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है और वो तस्वीरें जी मीडिया दिखा भी रहा है। देखिए, जहां तक कार्रवाई की बात है इसमें ये मसला जो है बेहद गंभीर हो जाता है, और साथ ही साथ अगर कहीं गलती थी या कोई गड़बड़ी थी तो कानून सम्मत कई सारी बातें हैं, और एसपी के हाथ में भी बहुत सारे पावर्स हैं, उनके अधीन जो कर्मचारी अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, एसआई हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो लाइन हाजिर कर सकते हैं, वो दंडित कर सकते हैं, वो बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन वर्दी में जिस तरीके से यहाँ पे हाजत में बंद किया गया है और ये जो वायरल हो गया पूरा वीडियो, इसको लेकर कई सवाल जो है वो उठ खड़े हुए हैं, और पूरी व्यवस्था को लेकर और साथ ही साथ जो कानूनी प्रक्रिया है इसको लेकर सवालिया निशान जो है ये उत्पन्न। ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट्स देने के लिए, साथ ही साथ मृत्युंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना पक्ष जो है वो हमारे साथ रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर नवादा के एसपी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस एसोसिएशन ने मांग की है कि एसपी पर एफआईआर दर्ज कराया जाए और इस पूरे मामले की जो है वो जांच हो।